गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी यहाँ पर बहुत 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 अच्छी हूँ। सो सारा फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया है और आज हमें चाची के घर जाना है। हमारे यहाँ से थोड़ी दूर पे ही रहती हैं चाची और दादी, उनके घर पे आज हमें डिनर पर जाना है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं तो मुझे बस नहाना है, उसके बाद फिर एक छोटा सा रिचुअल होता है कि जिसमें रोज़ हम तैयार होते हैं और मम्मी जो हैं वो हमें कुछ देती हैं खाने को, मांग भरती हैं। तो वो एक हमारा रिचुअल है जो रोज़ सुबह किया जाता है जब तक हम घर में होते हैं, एटलीस्ट 1 मंथ और सवा महीना किया जाता है। तो वो होगा, उसके लिए मुझे पहले रेडी होना है विद प्रॉपर साड़ी और ऑल। करते हैं और आपको आगे बहुत से व्लॉग देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से बने रहिए व्लॉग में। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा, और पोस्ट भी मैं करने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है एडिटिंग में क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अभी बिल्कुल चेंज है मेरे लिए, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको समझने में, एडजस्ट होने में। बाकी सब कुछ बहुत चल है, तो जल्दी जैसा ही होगा मैं एडिट करके पोस्ट करना स्टार्ट करूँगी। तो बने रहिए व्लॉग में, लेट्स गो। सो या गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। यस, हमें इस तरीके से पूरा रेडी होना होता है। आज मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है और साड़ी पहनते वक्त मुझे मम्मी की याद आ रही थी, माँ की, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती थी कि मैं कैसे करूँगी वहाँ पर, ना साड़ी पहनने आता है ना कुछ। लेकिन कहते हैं ना, मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि जब सर पे पड़ता है तो इंसान खुद ही करने लग जाता है, और सही कहती थी माँ। आज मैं खुद से साड़ी पहन रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। सी, मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी, अभी शायद रोशनी की वजह से नहीं दिख रहा। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जाऊँगी मम्मी के पास। तो मम्मी मुझे मेरी मांग भरती हैं और कुछ खाने को देती हैं खोएचा में, यानी कि इसमें आंचल में। तो बस चलते हैं पहले मम्मी के पास, फिर आगे के दिन की शुरुआत करते हैं। तो जो लोग यूपी बिहार से होंगे उनको ये रिचुअल पता होगा कि 1 महीना सवा महीना ये किया जाता है सुबह उठ के। वैसे तो मैं नहीं रह पाऊँगी, अभी हमें कल निकलना है एक जगह, वो भी आपको व्लॉग में दिखेगा, तो जिसकी वजह से हम इसे कंटिन्यू आगे नहीं कर पाएंगे। बट ठीक है, जितना दिन भी कर रही हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को करने में। I mean, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ नया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे देख के लगता था कैसे होता होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी मैं खुद कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे इस तरीके से सुबह रेडी होना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर मैं इस तरीके से रहती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद निकाल देती हूँ। बट हाँ, मुझे बहुत ही बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर भी। चलते हैं मम्मी के पास पहले। सो ब्रेकफास्ट हो गया है और ये लोग गए हैं कार वॉश कराने, तो कार वॉश करा कर आएंगे, उसके बाद फिर हमें पैकिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि कल हमें कहीं निकलना है और शाम में चाची के यहाँ जाना है डिनर पे, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो उसके पहले मैं जो थोड़ा सा व्लॉग है वो एडिट भी करूँगी और उसके बाद जस्ट पैकिंग करते हैं ताकि थोड़ा सा काम कम हो जाए आज के लिए। क्या भाई, क्या कुछ नहीं, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? तहसील गाजियाबाद तहसील। हाँ, सो अर्जेंटली हमें मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाना पड़ रहा है, तो अब हम आकर करेंगे पैकिंग, याद से करना है। हाँ जी, पैकिंग अभी हम हो जाएंगे लीगली मैरिड। इतना खर्चा क्या उसमें? नहीं, गवर्नमेंट नहीं मानती ना। हाँ, मैरिड है हम लोग बट गवर्नमेंट की नजरों में नहीं। पता, इतना ऑफर लग रहा ना मुझे, ये साड़ी पहन के निकल रहा है। अच्छी लग रही हो। दो मैं कुछ पकड़ लूँ, ये पकड़ लो कार्ड बस। सो कैब बुक की है और कैब बस आने वाली है। जा तो सकते थे हम गाड़ी से भी, बट We don't want to take risk. क्योंकि अभी थोड़ा सा और सीखने और उसकी जरूरत है। गाड़ी धुल के आई है बस, और धुल के तो आई है। हाँ, उसमें वो गंदी ना हो जाए इसलिए हम नहीं वापस निकालने जा रहे। सर टाइम दिखा रहा है भैया, 26 मिनट। गलत दिखा रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है वो रास्ते ही। अच्छा तो, अच्छा आप वहाँ से जाओगे? कौन सा? सावेरी से चलान में। भैया वहाँ की जो पुलिस है ना, उनको पता भी है कि क्या क्या नियम कानून है यहाँ वालों को? पता ही नहीं इस गाड़ी में कितने पेपर होते हैं। हाँ, इतना नियम कानून तो मुझे भी नहीं पता है। जब पुलिस रोकती है, जितनी बार रोकती है, मुझे पता चलता है कि यार कुछ नया मुझे कुछ नया मैंने कानून तोड़ा है। वहाँ पे आप बहस भी नहीं कर सकते, सब पढ़े लिखे और
घूसखोरी भी उतनी नहीं है, मशीन रखी हुई है हाथ में, फोटो खींचते हैं और सीधे चालान काटते हैं। क्या मतलब? दही घी निकलने से पहले दही का मट्ठा फेंटते हैं ना। हाँ। फेंटना हो इस रोड पे आओ गाड़ी में। अपने आप निकल जाएगा। हम पहुंच गए हैं, अब हम अंकित को कॉल कर रहे ताकि वो आ सके बाहर हमें मिल ले, उसके बाद हम जाएंगे अंदर। फाइनली हमारा काम हो गया है इतनी देर लगने के बाद। हाँ भाई, बट आधे घंटे में, आधे घंटे लगा हुआ, आधा घंटा चालीस मिनट। हम लोग लीगली मैरिड है, रजिस्ट्रेशन डन। तो आप तो कह रहे थे कि इसका वो मिलेगा, मतलब कॉपी मिलेगा सिर्फ, फाइनली तो फाइनल दे दिया उसने। हाँ मतलब इसकी ओरिजिनल कॉपी शायद बाद में मिले। तो शाम के 7:30 हो चुके हैं और अभी हम जस्ट आए हैं सारा काम वाम करके, तो मेरा सर्टिफिकेट वाला काम भी हो गया, बहुत बड़ा ही काम था, वो एक डन हो चुका है और अब हम फिर से रेडी होंगे क्योंकि आज चाची के यहाँ जाना है डिनर पे, तो उसके लिए हम जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। बहुत खुश हो गया आज, ऐसा क्या हो गया? अरे मैच था ना आज। रेडी होती हूँ तो मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ। रेडी होने का मौका नहीं मिलता ना जल्दी। यार मम्मी दोनों रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं चाची और दादी के, मतलब एक ही जगह जा रहे हैं। वही पहना हमने सुबह से कपड़ा, मैं भी हुआ, चेंज हमने किया है। हाँ। तो हम रेडी हुए हैं, रेडी आ गए हैं। मेरा मास्क कितना अच्छा लग रहा है, सारे लोग एक साथ आए हैं, भैया लोग तो दिख ही नहीं रहे। हाँ एक साथ यार, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। नहीं रोऊंगी क्यों, मेरा पहला व्लॉग बताइए, आज सुबह से कर रही हूँ मैं कंटिन्यू। मुझे कभी भी याद आ कि सारे लोग ऐसे ही हैं। दो दो चाची जब मकान पे जाती हो ना, तो दो चाची ही सारे बच्चे। रिशु बोला, रिशु को रुमाल दी हम। रिशु कहाँ है? हेलो गाइस, सो कल रात हमें 11:30-12 बज गए थे ऑलमोस्ट आने में वहाँ से, चाची के घर से। सो सब बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, थक गए थे, तो इस वजह से हम सब सो गए, व्लॉग का एंड भी नहीं कर पाए हम। सो कल लेकिन बहुत मज़ा आया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। और आज हम कहीं ट्रैवल करने वाले हैं तो उसका भी मुझे व्लॉग शूट करना है, आज से दूसरा व्लॉग भी आएगा, आगे काफ़ी व्लॉग्स आएंगे, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट पसंद आ रहा है, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो प्लीज़ चेकआउट दैट। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।